हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की भी भीड़ कुंभ स्नान के लिए पहुंचने लगी है। रात में हर की पैड़ी का भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। हर की पैड़ी को एक से बढ़कर एक लाइटों से सजाया गया है, जिसकी रोशनी से हरिद्वार स्वर्ग सा प्रतीत हो रहा है। हर की पैड़ी का जायजा लिया संवाददाता सुरेंद्र डसीला ने। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 का आगाज हो चुका है और हर कोई इस महाकुंभ में भाग लेना चाहता है। मैं CCR हरिद्वार में यानी सिटी कंट्रोल रूम जो पुलिस का है वहाँ मौजूद हूँ और वहाँ से आपको दिखा रहा हूँ हरिद्वार हर की पैड़ी का विहंगम दृश्य। ये देखिए हरिद्वार हर की पैड़ी, जो हम अक्सर आपको दोपहर में दिखाते हैं, सुबह दिखाते हैं, जहाँ गेरुए रंग में रंगा हुआ पूरी हरिद्वार हर की पैड़ी आपको दिखती है, लेकिन अब रात में देखिए किस तरह से जगमगाती रोशनी के बीच ये हर की पैड़ी का नज़ारा अद्भुत है, ये अलौकिक है। ये अद्भुत और विहंगम दृश्य आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुंभ की शुरुआत हो गई है और हरिद्वार कुंभ के आगमन के लिए सच कर तैयार हो चुका है। ये हर की पैड़ी का नज़ारा देखिए, सुंदर सुंदर लड़ियों से, लेज़र लाइट्स के ज़रिए और जो कलरफुल लाइट है उसके ज़रिए आप देखिए हर पुल और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गंगा में जो लाइट की जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो उसके जो कलर्स आते हैं, उसकी जो सुंदरता है वो और ज़्यादा खिल जाती है। सामने के अगर पुलों को आप देखेंगे तो वहाँ भी इस तरीके से पूरा सौंदर्यीकरण किया है कि जब रात के वक्त भी आप गंगा के चारों ओर घूमते हैं तो आपको दिव्यता और अलौकिकता नज़र आती है। इस बार के कुंभ में चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। COVID-19 के मामले पूरे देश में बढ़ रहे हैं और बढ़ते मामले चुनौती हमारी भी बढ़ा रहे हैं, प्रशासन की भी बढ़ा रहे हैं। कोशिशें यही हैं कि जब कुंभ में लोग आएँ तो COVID-19 की पूरी गाइडलाइन, पूरे प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित और सफल कुंभ के भागी बने। लेकिन अगर यहाँ पर आकर आप कोविड के नियमों को भूल जाएंगे तो आपके और आपके प्रियजनों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए कुंभ में आइए, दिव्य और भव्य कुंभ के भागीदार बनिए, लेकिन कोविड के नियमों का पालन भी करिए और प्रशासन को सहयोग भी करिए। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, हर की पैड़ी, हरिद्वार।